कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को विकसित करने की प्रणाली 7 स्पष्ट स्टेजेस में बटी है। प्रॉब्लम या नीड डेफिनेशन, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग एनालिसिस, प्रोग्राम प्रेपरेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। पहले 3 स्टेप्स सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। इस अध्याय में हम आखिरी 4 स्टेप्स से निपटेंगे जो वास्तविक प्रोग्राम डेवलपमेंट से संबंधित हैं। हम उन विभिन्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस और लैंग्वेजेस का अध्ययन करेंगे जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को बनाने में और सॉफ्टवेयर मेंटेन करने में उपयोग किए जाते हैं। चाहे हम संगठन के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हों या व्यक्तिगत एप्लीकेशन के लिए, डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स के उद्देश्य लगभग एक ही होते हैं। उद्देश्य 1, यूजर की विशेष जरूरतों को एड्रेस करना। उद्देश्य 2, सीमित समय और बजट के अंदर प्रोग्राम्स को विकसित और लागू करना। उद्देश्य 3, हल्की प्रोग्रामिंग कम से कम गलतियों के साथ करना। उद्देश्य 4, ऐसे प्रोग्राम्स बनाना जो लागू, इस्तेमाल और मेंटेन करने में आसान हो। एक उद्देश्य पाने में प्रोग्रामर्स कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां समझौते करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या एनालिसिस या डिजाइन स्टेज का समय कम करके हम ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करने का खतरा ले रहे हैं कि जो संभालने या मेंटेन करने में मुश्किल होगा और शायद जिसमें कई गलतियां हों। यदि समय हो तो कौन सा तरीका अपनाया जाए? क्या सॉफ्टवेयर पहले से क्रिएट किया जाए या किसी अन्य वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट पर ऑफलोड करके हमारी जरूरतों के अनुसार रेडीमेड पैकेज को अनुकूल बनाया जाए? किसी सलूशन की प्रोग्रामिंग करना आज तक एक कला है, क्योंकि एक सी समस्या वाले अलग लोग इन सवालों का हल देते हुए कई अलग नजरिए रखते हैं। जैसा कि कहा गया है, रोम पहुंचने के कई रास्ते हैं। इन चारों उद्देश्यों को पाने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया ने विभिन्न प्रोग्राम एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स विकसित की हैं। जहां हर एक स्पष्ट रूप से अलग लगता है, वहां अलग अलग संगठन कई बार इन सभी प्रणालियों को बदलते प्रमाण में मिला जुलाकर उपयोग करते हैं। प्रोग्राम एनालिसिस अप्रोच, मॉड्यूलर या टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन, मूल कोडिंग स्ट्रक्चर्स का उपयोग। प्रोग्रामिंग सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन स्टेज के दौरान क्रिएट किए गए सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को मशीन द्वारा पहचाने जाने वाले निर्देशों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिससे मनचाहा नतीजा प्राप्त हो सके। प्रोग्रामिंग एनालिसिस स्टेज के दौरान प्रोग्रामर्स द्वारा ऐसे आवश्यक प्रश्नों के उत्तर में निश्चित हाँ पर पहुंचना जरूरी है। क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन स्पष्ट, संक्षिप्त और परिपूर्ण है? क्या उपयोग की जाने वाली हल पद्धति में वे निपुण हैं? जानी हुई पद्धति के न होने पर क्या अन्य प्रोग्रामर्स या जर्नल्स या टेक्निकल किताबों से वे उपयुक्त हल खोज सकते हैं? रेडी सॉल्यूशन मेथड्स की कमी होने पर क्या वह पहले से सॉल्यूशन की रचना कर सकते हैं? प्रोग्रामर्स कई उपलब्ध प्रोग्रामिंग एनालिसिस टूल्स में से कोई भी उपयोग में ला सकते हैं। सबसे लोकप्रिय है प्रोग्राम फ्लोचार्ट, एक प्रोग्राम कोड जो सिस्टम फ्लोचार्ट की रेखा चैतरिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। यदि प्रोग्रामर खुद से ही कार्यविधि का विकास करने का निश्चय करता है तो वह ज्यादातर मॉड्यूलर अप्रोच अपनाता है। यह एक टॉप डाउन अप्रोच है जहां प्रोग्रामर सॉल्यूशन को विभिन्न छोटे अंगों में बांट देता है जिन्हें सॉल्व करना और आसान हो। इस पद्धति में एक मेन कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जाता है जिससे प्रॉब्लम हल करने के लिए आवश्यक मुख्य सेगमेंट्स और मॉड्यूल्स को आउटलाइन किया जा सके। आमतौर पर मॉड्यूलर अप्रोच में मेन कंट्रोल प्रोग्राम सारे प्रोसेस की देखरेख करता है और इसमें निर्देश होते हैं जो समय पर छोटे मॉड्यूल प्रोग्राम्स या सब रूटीन्स में विभाजित हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग एनालिसिस का यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक प्रोग्रामर को तसल्ली नहीं हो जाती कि हर छोटे मॉड्यूल का सलूशन स्पष्ट रूप से परिभाषित हो चुका है। मॉड्यूलर अप्रोच के कई फायदे हैं।
जटिल और बड़े प्रोग्राम्स को प्रभावकारी रूप से छोटे, सहज और आसानी से संभलने वाले मॉड्यूल्स में विभाजित किया जा सकता है। छोटे मॉड्यूल्स अपने आप में विभिन्न होने के कारण एक साथ कई प्रोग्रामर्स द्वारा कोड किए जा सकते हैं। हम मॉड्यूल प्रोग्राम्स की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम की गलतियों को किसी एक मॉड्यूल तक आराम से ढूंढा जा सकता है, जिससे डीबगिंग और मेंटेनेंस का काम आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर सप्लायर्स द्वारा बनाए गए टेस्टेड सब रूटीन्स को प्रभावकारी रूप से काम में लाया जा सकता है। बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर्स का उपयोग, जो कि गुजरे सालों के पीपल डिपेंडेंट या मानव निर्भर प्रोग्राम्स के गैर फायदों से उत्पन्न हुए। हालांकि पहले के प्रोग्राम्स भी काम करते थे, वे बड़े होते थे, बहुत सी पेचीदा शाखाओं वाले। कोड्स, शाखाओं और लॉजिक का सिस्टम डीबगिंग और देखरेख करने वाले अन्य लोगों द्वारा समझ पाना लगभग बुरे सपने जैसा था। 1960s के दशक के दूसरे भाग में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच आया। इस अप्रोच से कितना भी जटिल कोई भी प्रॉब्लम तीन स्टैंडर्ड लॉजिक पैटर्न्स द्वारा विभाजित हो सकता था। सिंपल सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जहां एक इंस्ट्रक्शन दूसरे के बाद आता था सहज क्रम में। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जहां कोई स्थिति जांची जाती है और दो विकल्पों से सुलझाई जा सकती है, अर्थात इफ कंडीशन टेस्ट देन कंट्रोल पाथ 1 एल्स कंट्रोल पाथ 2। लूप स्ट्रक्चर, जहां वही निर्देश बार बार दोहराए जाते हैं यदि कोई जांची गई स्थिति सच साबित होती है। जैसे ही स्थिति झूठी साबित हो, प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है, अर्थात डू व्हाइल कंडीशन और डू अंटिल कंडीशन। जब प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं और मॉड्यूलर टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, तब प्रोग्राम्स को ऊपर से नीचे तक पढ़ा जा सकता है और समझने में ये और आसान हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में आमतौर पर एक पीयर रिव्यू, जिसे स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू भी कहा जाता है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के दौरान शामिल होता है, जिससे सॉफ्टवेयर में गलतियां खोजी जाती हैं। ये अनौपचारिक आराम से किए गए चर्चे होते हैं, जिनमें एक ही स्तर के मुट्ठी भर प्रोग्रामर शामिल होते हैं, कोई मैनेजर नहीं। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू में एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम सॉल्यूशन के काम करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाता है और अन्य प्रोग्रामर्स उसका निरीक्षण करके उसमें जाहिर गलतियों को बताते हैं। पीयर रिव्यू का फायदा है कि कम से कम गलतियां पकड़ाए बिना रहती हैं। बेहतर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन बनता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस आसान हो जाता है। पीयर ग्रुप में समन्वय होने से प्रोग्रामर्स का हौसला और बढ़ जाता है। कार्यान्वित करने में तेजी, विकास करने की लागत में कटौती और अधिक यूजर संतुष्टि पाए जा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम बनाने के श्रम का अंतिम उद्देश्य कम मूल्य में एक प्रभावकारी उत्पादन का विकास होना चाहिए। प्रोग्रामिंग की पद्धतियों और प्रणालियों को जान लेने के बाद आइए अब हम प्रोग्रामिंग टीम की संगठन आकृति की ओर एक नजर डालें। प्रोग्रामिंग टीम को संगठित करने के लिए कई तरीके हैं, पर हम स्पष्ट रूप से किसी एक तरीके को सराह कर यह नहीं कह सकते कि यही सर्वोत्तम तरीका है। गौर किया जाए तो शायद तीन मुख्य संगठन प्रणालियां पाई जाती है और आमतौर पर इनका कोई सम्मिलित रूप अपनाया जाता है। ट्रेडिशनल हायरार्किकल ग्रुपिंग या पारंपरिक क्रमवार समूह, जहां प्रोग्रामर्स का समूह एक प्रोग्रामिंग मैनेजर के नियंत्रण में रहता है, जो शायद कोडिंग के काम में शामिल न हो। चीफ प्रोग्रामर टीम्स, जहां टीम में होते हैं चीफ प्रोग्रामर, जो कि प्रोजेक्ट और उसकी वास्तविक कोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बैकअप प्रोग्रामर, जो चीफ की सहायता करता है और उसकी गैर हाजिरी में उसकी जिम्मेदारी निभाता है तथा प्रमुख मॉड्यूल्स को विकसित करता है। लाइब्रेरियन, जो सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठा और संगठित करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो चीफ प्रोग्रामर के निर्देशानुसार वास्तविक कोडिंग करते हैं। ईगोलेस प्रोग्रामिंग टीम्स, जहां कोई भी पदान्वित चीफ नहीं होता। मॉड्यूल प्रजातांत्रिक रूप से तजुर्बे के अनुसार सबसे उपयुक्त व्यक्ति को सौंपे जाते हैं,
आमतौर पर इन टीम्स में पीयर रिव्यूज होते हैं और पूरा किया गया कार्य सभी की जिम्मेदारी होता है, न कि किसी एक व्यक्ति की। भाषा के माध्यम से ही संचार संभव है। एक दूसरे को समझने के लिए आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति एक ही भाषा का उपयोग कर रहे हों। कोई भी भाषा, चाहे लिखित या मौखिक हो, या चिन्हों से बनी हो, या फिर मॉर्स कोड हो, उसका निश्चित आकार होता है, चिन्ह होते हैं और व्याकरण होता है। कंप्यूटर्स की दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे सिंबल्स, कैरेक्टर्स और उपयोग नियम, जिन्हें सिंटैक्स कहते हैं, होते हैं, जो लोगों को अपने प्रोग्राम निर्देश कंप्यूटर्स से कम्युनिकेट करने देते हैं। जहाँ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी खास उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जैसे कि रोबोट की प्रोग्रामिंग करना, अन्य लैंग्वेजेस और लचीले और जनरल पर्पस टूल्स होते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। चाहे जिस क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निर्देश होने चाहिए जो जानी पहचानी इन फंक्शनल कैटेगरीज में आ जाए। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन, लॉजिक या कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज रिट्रीवल इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर के क्रमिक विकास ने चार तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उभरते देखा है। मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस या HLL और फोर्थ जेनरेशन लैंग्वेजेस या 4GL। जहां इन सभी भाषाओं में समान निर्देश होते हैं, हर एक के विभिन्न चिन्ह, कैरेक्टर्स और व्याकरण नियम होते हैं, जो अन्य से हटकर होते हैं। मशीन लैंग्वेजेस से 4GL की ओर बढ़ते हुए कोड्स मानवों द्वारा समझे जाने योग्य हो जाते हैं। मशीन लैंग्वेज रूप सबसे कच्चा और मशीन सुबोध रूप है, जो शायद सर्किटरी के इलेक्ट्रिकल पल्सेस से बस एक ही कदम हटकर है। ये बाइनरी कोड्स के सूत्रों से निर्मित है। बाइनरी कोड्स 0 और 1 बिट से बनते हैं और यह एकमात्र लैंग्वेज है जो प्रोसेसर द्वारा समझी जा सकती है। मशीन लैंग्वेज में किसी भी निर्देश के दो भाग होते हैं, ऑपरेशन कोड या ऑप कोड और ऑपरेंड। पहला भाग जो ऑपरेशन कोड या ऑप कोड कहलाता है, वह कमांड या ऑपरेशन है जो कंप्यूटर को कौन सा काम करे ये बताता है। हर कंप्यूटर के पास अपने हर फंक्शन के लिए ऑप कोड होता है। निर्देश का दूसरा भाग जो ऑपरेंड कहलाता है, कंप्यूटर को डेटा व अन्य इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें निपटाना होता है, कहाँ ढूंढे और स्टोर किए जाएं, ये बताता है। अलग अलग कंप्यूटर्स एक निर्देश में ऑपरेंड्स की अलग अलग संख्या संभाल सकते हैं। कुछ होते हैं सिंगल ऑपरेंड मशीन्स, जो आमतौर पर निर्देश में केवल एक ऑपरेंड संभाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ADD1036 एड्रेस लोकेशन 1036 में स्टोर की गई संख्या को ALU में जोड़ देता है। अन्य मशीन्स डबल ऑपरेंड मशीन्स कहलाते हैं, जो निर्देश में दो ऑपरेंड संभाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ADD1036-8656 एड्रेस लोकेशन 8656 की संख्या को एड्रेस लोकेशन 1036 की संख्या से जोड़ देगा। इन उदाहरणों के मशीन लैंग्वेज कोड में कोई अक्षर नहीं रहे होते, बल्कि ADD1036 का मशीन कोड कुछ इस प्रकार है, 00001 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
और डीबगिंग करना कठिन कार्य था जो केवल स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर्स ही कर सकते थे, और मशीन इंस्ट्रक्शन सेट के कमांड्स के लिए दर्जनों आंकड़े याद रखने के अलावा प्रोग्रामर को डेटा तथा निर्देशों के स्टोरेज लोकेशंस भी याद रखने पड़ते थे। लेकिन मशीन कोड के प्रोग्राम्स सबसे तेजी से कार्यान्वित होते थे क्योंकि उनके ट्रांसलेशन में कोई समय बर्बाद नहीं होता था।
मशीन लैंग्वेज की पेचीदगियों को सहज करने के लिए डेवलपर्स ने असेंबली लैंग्वेज को इजाद किया। इस भाषा में निमोनिक ऑपरेशन कोड्स और सिंबॉलिक एड्रेसेस का इस्तेमाल किया गया। निमोनिक कोड्स वास्तविक अंग्रेजी अक्षर थे जो ऑपरेशन कोड के बाइनरी स्वरूप के बदले इस्तेमाल किए गए थे। उदाहरण, ऐड के लिए ए और स्टार्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए SIO। सिंबॉलिक एड्रेसेस का फायदा यह था कि इसमें प्रोग्रामर एड्रेस को अपने वास्तविक एड्रेस लोकेशन के रूप में नहीं बल्कि ऐसे चिन्हों के रूप में व्यक्त कर सकता था जो उसके लिए सुविधाजनक थे। क्योंकि कोड्स में अब मानव द्वारा समझे जाने वाले अक्षर और चिन्ह थे, प्रोसेसिंग स्टेज के पहले एक ट्रांसलेशन स्टेज का आना आवश्यक हो गया, जहां निमोनिक्स और सिंबल्स को मशीन कोड में भाषांतरित किया जाता था। यह भाषांतरण असेंबली प्रोग्राम या असेंबलर द्वारा किया जाता था। इसलिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स का अस्तित्व दो रूपों में था, सोर्स प्रोग्राम जो प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों का प्रोग्राम था जिसे सीधा कंप्यूटर द्वारा कार्यान्वित किया नहीं जा सकता था, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम के असेंबलर द्वारा भाषांतरित होने के बाद मशीन लैंग्वेज रूप निकलता था जिसे सीधे ही कंप्यूटर द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता था। असेंबली लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेजेस के मुकाबले फायदेमंद थे क्योंकि कोडिंग और आसानी और तेजी से हो सकती थी क्योंकि इसमें मानवों द्वारा समझे जाने वाले कोड्स थे। मशीन लैंग्वेज कोडिंग से संबंधित लंबा समय और पेचीदगी कम हो गए, गलतियां कम से कम होने लगी और वे जो होती थी ढूंढने में और आसान हो गई। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स के मुकाबले कोड्स को परिवर्तित करना और आसान था। असेंबली लैंग्वेज के इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा गैर फायदा यह था कि ये मशीन डिपेंडेंट था, अर्थात यह प्रोसेसर के विशेष मॉडल और मेक के लिए ही डिजाइन किया गया था। मशीन और असेंबली लैंग्वेज को संयुक्त रूप से लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर्स का लक्ष्य कोडिंग को और आसान बनाना है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स ने मैक्रो इंस्ट्रक्शंस को लाकर निमोनिक्स के उपयोग में सुधार किए। ये इंस्ट्रक्शंस सहज इंग्लिश जैसे कोड्स थे, जैसे कि राइट फाइल, जो एक पहले से लिखे गए मशीन लैंग्वेज निर्देशों के सेट को संकेत देता था और कार्य पूर्ण किया जाता था। निमोनिक और मैक्रो इंस्ट्रक्शन तकनीकों के विकास ने हाई लेवल लैंग्वेजेस या HLL के विकास के लिए रास्ता बनाया। सच पूछें तो मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस और बाद की मानवों की ओर केंद्रित भाषाओं को हाई लेवल लैंग्वेजेस करार देना मनुष्य का अहंकार है, जो स्वयं को बुद्धू कंप्यूटिंग मशीन के मुकाबले अधिक बुद्धिशाली मानता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से अलग HLL प्रोग्राम्स को थोड़ा बहुत बदलकर अलग अलग बनावट के कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके अन्य फायदे हैं, ये सीखने में आसान है क्योंकि सिंटैक्स में काफी हद तक सहज अंग्रेजी का उपयोग होता है, लिखने में कम समय लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर डॉक्यूमेंटेशन उत्पन्न कर सकते हैं, मेंटेन करने में आसान है, केवल एक तरह की मशीन या प्रोसेसर तक इनका उपयोग सीमित नहीं। असेंबली लैंग्वेज की तरह HLL प्रोग्राम्स के भी दो वर्शन्स थे, सोर्स कोड या प्रोग्रामर का कोड और ऑब्जेक्ट कोड या मशीन का ट्रांसलेटेड कोड। HLL प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में भाषांतरित करने का काम कंपाइलर द्वारा किया गया। कंपाइलर पर आधारित प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में संपूर्ण सोर्स प्रोग्राम का पहले ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद और फिर डीबगिंग होता था और फिर संपूर्ण ऑब्जेक्ट कोड कार्यान्वित होता था। इसके अलावा कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस ने अनुवाद के लिए इंटरप्रेटर का उपयोग किया, जिसे पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में विस्तृत उपयोगिता मिली। इंटरप्रेटर पर आधारित प्रोग्राम में सोर्स प्रोग्राम के हर वाक्य को एक ही समय पर भाषांतरित, डीबग और कार्यान्वित किया जाता है। क्योंकि कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्ट कोड पहले से ही डीबग होकर मशीन कोड के रूप में रहता है, ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम्स से ज्यादा जल्दी कार्यान्वित होते हैं। इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम्स निर्देश दर निर्देश तीनों कार्यों को करते हैं
और गलती का सामना होने पर बीच में ही रुक जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम्स को किसी प्रोग्राम फीचर के जोड़े या बदले जाने पर अलग से कंपाइलेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती। ATLLs के और विकास की वजह से बहुत से सॉफ्टवेयर विक्रेताओं ने विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स का निर्माण किया, जिन्हें कई बार फोर्थ जेनरेशन लैंग्वेजेस या 4GLs कहा जाता है। फोर्थ जेनरेशन नाम इस वजह से है कि कुछ लोग हर भाषा रूप के प्राधान्य को एक जेनरेशन या पीढ़ी समझते हैं। तो यदि मशीन लैंग्वेजेस फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेजेस थे, असेंबली लैंग्वेजेस थे सेकेंड जेनरेशन, HLLs थे थर्ड जेनरेशन और बाद के एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स फोर्थ जेनरेशन में शामिल होते हैं। 4GL टूल DBMS से संपर्क स्थापित करके यूजर की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक डेटा को स्टोर, मैनिपुलेट और रिट्रीव करता है। उनके स्ट्रक्चर और फॉर्म यानी आकार और रूप के कारण 4GLs कोड करने में बेहद आसान होते हैं और ज्यादा उत्पादक भी। जहां पहले के लैंग्वेजेस प्रोसीजरल थे, अर्थात कार्यविधि के हर कदम का वर्णन करना आवश्यक था, 4GL टूल्स नॉन प्रोसीजरल हैं। इसमें यूजर को केवल उल्लेखित करना पड़ता है कि उसे क्या आउटपुट चाहिए, न कि डेटा पर की जाने वाली उन सारी क्रियाओं का वर्णन देना पड़ता है जिनसे वह आउटपुट प्राप्त करेगा। आमतौर पर 4GLs में कोई स्पष्ट भेद ढूंढ पाना मुश्किल है, किंतु ये चार वर्ग हमें कुछ हद तक उन्हें विभाजित करने देते हैं। एंड यूजर्स ओरिएंटेड 4GLs, ये डेटा के कम परिमाण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं प्रोग्रामर्स और इंफॉर्मेशन यूजर्स द्वारा। इनके अपने आंतरिक DBMS होते हैं जो बड़े DBMS से संपर्क कर सकते हैं। ये सीखने में सहज है और कम प्रशिक्षण वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 4GLs oriented to specific DBMS package, ये हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन के लिए उपयोगी हैं। इनमें कमांड्स का विवरणीय सेट होता है और इन्हें मनचाहे आउटपुट के लिए प्रोग्राम करने के लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्रमिक विकास और रूप जान लेने के बाद आइए अब हम प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कुछ HLLs देखें। बेसिक या बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड एक लोकप्रिय इंटरैक्टिव भाषा है जो विस्तृत रूप से आकर्षक है क्योंकि यह इस्तेमाल में बेहद आसान है। बेसिक 1974 में बेहद लोकप्रिय हो गया जब बिल गेट्स और पॉल एलन ने इंटेल प्रोसेसर पर उसे चलाने के लिए ट्रांसलेशन प्रोग्राम लिखा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी पहले गेट्स एलन के इस बेसिक के वर्जन का विक्रय करने के लिए ही संगठित हुई और आज ये दुनिया के चोटी के सॉफ्टवेयर विक्रेता हैं। बेसिक बहुत ही सहज इंग्लिश जैसी कोडिंग भाषा है जो नॉन स्पेशलिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा सीखी और उपयोग की जा सकती है। इसकी सहजता के कारण इसे पहले PC मार्केट में धकेला गया, जहां इसे बेहद सफलता मिली और आज ये PC सिस्टम्स पर उपयोग होने वाली सबसे लोकप्रिय HLL है। बेसिक से डेटा एंटर करना आसान है और समस्या का हल ढूंढने वाले को आउटपुट फॉर्मेट की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट का एक यूजेबल स्वरूप मिल ही जाता है। इसमें बदलाव लाना आसान है और ये बेहद प्रभावकारी ग्राफिकल क्षमताएं भी रखता है। इसके लचीलेपन और इसे इस्तेमाल करने की आसानी के कारण बेसिक बहुत से लोगों में बहुत से एप्लीकेशंस के लिए लोकप्रिय है, जैसे कि स्कूल विद्यार्थी, एरोस्पेस इंजीनियर्स, बिजनेस मैनेजर्स और मनोरंजक या शैक्षिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। यह एक सहज बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम का नमूना है। फोर्ट्रान या फॉर्मूला ट्रांसलेटर का आरंभ अतीत में 1954 तक जाता है, जब जॉन बैकस के नेतृत्व में IBM द्वारा स्पॉन्सर की गई एक कमिटी ने एक साइंटिफिक मैथमेटिकल लैंग्वेज पर शोध कार्य शुरू किया। 3 साल के श्रम के फलस्वरूप हुआ फोर्ट्रान का जन्म, जो कि IBM 704 कंप्यूटर के लिए विकसित की गई। गणित के इक्वेशंस को जाहिर करने की आसानी और स्ट्रक्चर की सहजता में ही फोर्ट्रान की शक्ति है।
इसे खूब स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे कई बार रिवाइज किया गया, बल्कि इसके कई स्ट्रक्चर्स को बाद में बेसिक में शामिल किया गया। फोर्ट्रान एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें ऐसे स्टेटमेंट्स की श्रृंखला है कि जो इनपुट आउटपुट कैलकुलेशंस, लॉजिक और तुलना के अलावा अन्य मूल जरूरतों को पूरा करती हैं। फोर्ट्रान दो स्टैंडर्ड्स में उपलब्ध है, बेसिक या मिनिमल वर्जन या फुल या एक्सटेंडेड वर्जन, जो ANSI बॉडी द्वारा मंजूर है। यह एक कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है जो कि साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों और बिजनेस स्टैटिस्टिशियंस की जरूरतें पूरी करती है। इसमें इंजीनियरिंग और साइंटिफिक खास प्रोग्राम्स हैं। फोर्ट्रान का उपयोग ऐसे बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी होता है जिन्हें विस्तृत डेटा फाइल्स से निपटने की आवश्यकता नहीं होती। फोर्ट्रान बड़ी बिजनेस फाइल्स के लिए उपयुक्त भाषा नहीं है। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग की जरूरतों के लिए लगभग 1960 के आसपास कोबोल या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज विकसित हुई, जो आज तक बड़े बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए सबसे लोकप्रिय है। कोबोल मूल रूप से एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है जिसे गुजरते सालों में लगभग उन सभी प्रोसेसर्स के लिए विकसित किया गया है जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में काम आते हैं। आजकल यह पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कोबोल की शक्ति उसके अति आकृत या हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, जहां वाक्य प्रोसेसर को आवश्यक कार्यों के लिए निर्देशित करते हैं। एक ही ऑपरेशन से संबंधित वाक्यों को अनुच्छेद या पैराग्राफ में समूहित किया जाता है, संबंधित पैराग्राफ से वर्ग या सेक्शन बनता है और इन सेक्शंस को समूहित करके चार डिविजन्स बनते हैं। किसी भी कोबोल प्रोग्राम की स्ट्रक्चरल हायरार्की इन चार डिविजन से पूर्ण होती है: आइडेंटिफिकेशन डिविजन, एनवायरमेंट डिविजन, डेटा डिविजन और प्रोसीजर डिविजन। क्वाजी इंग्लिश टर्म्स या इंग्लिश जैसे टर्म्स, जिनमें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बिजनेस टर्म्स भी शामिल हैं, कोबोल को आक्षरिक कैरेक्टर्स को नियंत्रित करने में फोर्ट्रान से अधिक सक्षम बनाते हैं। गुजरते वर्षों के साथ बिजनेस एप्लीकेशन मॉड्यूल्स और प्रोग्राम्स की एक बड़ी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विक्रेताओं द्वारा विकसित की गई है, जिसमें कोबोल जेनरेटर भी शामिल है। यह इन लाइब्रेरीज को स्रोत लेकर किसी भी प्रोग्राम का तकरीबन 80% कोड उत्पन्न कर सकता है। लेकिन कोबोल बहुत संक्षिप्त भाषा नहीं है और न ही हम में से सभी के लिए सीखने में सबसे आसान HLL प्रोग्रामिंग भाषा है। यह फोर्ट्रान की तरह पेचीदा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी उचित नहीं। कोबोल और फोर्ट्रान की सीमित उपयोगिता के कारण कई रिसर्चर्स के समूह एक यूनिवर्सल भाषा विकसित करने की कोशिश में थे। इसलिए PL/1 या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 1960s में सभी तरह के वैज्ञानिक और बिजनेस प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए कार्यान्वित की गई। PL/1 बेहद लचीली और सबरी हुई भाषा थी, जिसमें कोबोल और फोर्ट्रान दोनों के ही लक्षण समाये थे। इसका मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें किसी ऑपरेशन संबंधित स्टेटमेंट्स मिलकर प्रोसीजर्स बनते हैं। ये प्रोसीजर्स स्वतंत्र छोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं या फिर और पेचीदा प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स। PL/1 एक कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें डिफॉल्ट ऑप्शंस नामक बिल्ट इन फीचर है, जो खुद ही आम प्रोग्रामिंग की गलतियों को ढूंढकर सुधार देता है। नौसिखिया प्रोग्रामर किसी एक प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने के लिए शायद PL/1 का कोई भाग ही सीखे। फिर भी अपने पूर्ण स्वरूप में PL/1 कोबोल या फोर्ट्रान से सीखने में ज्यादा मुश्किल है। जहां कोबोल को बड़े बिजनेस एप्लीकेशंस में स्वीकृति मिली, वहीं RPG या रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर 1960s में लाया गया, मूलतः छोटे बिजनेस कंप्यूटर्स पर बिजनेस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि नाम से पता चलता है, RPG मूल रूप से डिजाइन किया गया था आउटपुट रिपोर्ट्स उत्पन्न करने के लिए, किंतु ये इनपुट कैलकुलेशंस और फाइल अपडेशन भी संभाल सकता था। इसका उद्देश्य सीमित था, क्योंकि RPG कंपाइलर द्वारा उत्पन्न ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स एक मूल प्रोसेसिंग साइकिल को विचले बिना निभाते हैं।
क्योंकि इसका प्रोग्राम लॉजिक निश्चित है, याद रखने के लिए अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसमें कम नियम है और इसलिए यह सीखने में आसान लगती है। आरपीजी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए उचित है जहां बड़ी फाइल्स को पढ़कर कुछ सहज से हिसाब करके स्टैंडर्ड आउटपुट रिपोर्ट्स का उपयोग ही करना होता है। क्योंकि इसकी गणित संबंधी क्षमता सीमित है, यह वैज्ञानिक एप्लीकेशंस के लिए उचित नहीं है। एल्गोल या एल्गोरिथमिक लैंग्वेज एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वैज्ञानिक और गणित संबंधी एप्लीकेशंस के लिए विकसित की गई। यूरोप और अमेरिका में मैथमेटिशियंस के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह के परिश्रम के कारण यह 1958 में इंट्रोड्यूस की गई। इनमें फोर्ट्रान के लिए मशहूर जॉन बैकस भी शामिल थे। इस भाषा के कई वर्शन बने, जिनमें सबसे नया है एल्गोल 68। पास्कल की तरह यह भी ब्लॉक स्ट्रक्चर या मॉड्यूलर भाषा थी जो यूएस की अपेक्षा यूरोप में ज्यादा लोकप्रिय थी। पास्कल एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फाइल प्रोसेसिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए विकसित की गई। एल्गोल की शाखा के रूप में पास्कल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के विचारों के फैलने के बाद विकसित पहली मुख्य भाषा थी। पास्कल में सभी वेरिएबल्स प्रोग्राम के आरंभ में ही पहचान लिए जाते हैं और सारे निर्देश वाक्य एक ही बहाव में बढ़ते हैं, जो बिगिन से शुरू होकर एंड पर खत्म हो जाते हैं। एल्गोल और पास्कल से ही संबंधित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एडा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डीओडी द्वारा प्रायोजित एडा को मिलिट्री सेवाओं में उपयोग के लिए विकसित किया गया था और ये 1983 में ANSI स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी। जहां कई लोगों को यह अपर्याप्त और संभालने में मुश्किल लगी, वहीं औरों ने इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू माना। यह भाषा अस्तित्व में रहेगी क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए एडा क्षमता वाले मिलिट्री कंप्यूटर्स की आवश्यकता रहेगी। आप शायद विश्व विख्यात ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के बारे में जानते होंगे। यह यूनिक्स ओएस अपार क्षमताओं वाली सी नामक खास भाषा में कोड किया गया था। गुजरते सालों के साथ ये एक जनरल पर्पस किंतु बेहद लचीली हाई लेवल लैंग्वेज में विकसित हुई है, जहां ये प्रोग्रामर्स को विभिन्न एप्लीकेशंस विकसित करने देती है, वहीं ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स को भी लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस में प्रोग्राम्स लिखने देती है, जो मशीन या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जितने ही कार्यकुशल या पेचीदा होते हैं। आजकल सी कंपाइलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा और मार्केट किया जाता है और ये ज्यादा तकलीफ के बिना किसी भी मशीन आर्किटेक्चर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर या स्ट्रक्चर विचारधाराओं का उपयोग कर सकती है और इसके पास सब रूटीन्स के बराबर फंक्शंस की विस्तृत लाइब्रेरी है। कोई भी सी प्रोग्राम छोटे कार्यों में तोड़ा जा सकता है, जहां कोई भी फंक्शन हर कार्य को हल करने में इस्तेमाल हो सकता है और सी प्रोग्राम ऐसे फंक्शंस का समूह बन जाए जो प्रोग्राम सॉल्यूशन को निर्माण करने के लिए जुड़े हों। बिजनेस और विज्ञान की दुनिया से दूर हम देखते हैं एक ऐसी भाषा का विकास जो पहली शैक्षणिक भाषा के रूप में बेहद लोकप्रिय हुई, लोगो। लोगो के स्ट्रक्चर और उसके सीखने में आसान ग्राफिक टूल्स ने ये सुनिश्चित किया कि बच्चे उसे बुद्धिमत्ता के विकास और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते थे। ड्राइंग उपकरण लोगो टर्टल को लिखे हुए सहज प्रोग्राम द्वारा स्क्रीन पर हिलाकर छवियां बनाई जाती थीं। लेकिन लोगो की क्षमता टर्टल्स और ड्राइंग से बढ़कर है। यह पीसी पर चलती है और छोटी कक्षाओं और कॉलेजों में डेटा मैनेज करने, संगीत रचना करने और टेक्स्ट मैनिपुलेट करने में काम आती है। गुजरते सालों के संग कुछ और प्रोग्रामिंग भाषाएं भी विकसित हुई, जिनमें से कुछ हैं APL, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक इंटरप्रेटर बेस्ड भाषा पीसीज और ऐसे बड़े सिस्टम्स के लिए जो एक ही कमांड से जटिल ALU ऑपरेशंस कर सकती थी। APT या ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग, यह मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में मशीन उपकरणों को नियंत्रित करने में काम आती थी। फोर्थ, ये कुछ सी जैसी है। यह एक हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है
जो कि मूलतः स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर्स द्वारा इन हाउस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए और ऑब्जर्वेटरीज में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोपिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। लिस्प या लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विस्तृत रूप से इस्तेमाल की जाती है और नॉन न्यूमेरिक डेटा को मैनिपुलेट करने की इसकी शक्ति बहुत है। मॉड्यूलर 2, पास्कल भाषा का अधिक प्रबल और उपयोग में आसान वर्शन। पायलट, प्रोग्राम इंक्वायरी लर्निंग और टीचिंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए प्रभावशाली उपकरण। यह उन प्रोग्राम्स के साथ इस्तेमाल की जाती है जो ड्रिल्स, टेस्ट और डायलॉग्स का उपयोग करते हैं। प्रोलॉग, एक और सोफिस्टिकेटेड भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उपयोग होती है और जो फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स के लिए संगोषित की जा रही मुख्य भाषा है। स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, टेक्स्ट मैनिपुलेशन और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भाषा जो ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में लोकप्रिय है। एप्लीकेशन को प्रोसेस करते समय कंप्यूटर्स को नियंत्रित करने के लिए निर्देश लिखने के लिए प्रोग्रामर्स इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग कोडिंग के पहले सही भाषा का चयन करना अत्यावश्यक है। एक की अपेक्षा दूसरी भाषा के चयन संबंधी कुछ मुद्दे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए सुलझाए जा सकते हैं। क्या प्रोग्रामिंग टीम भाषा से परिचित है? क्या भाषा की क्षमता एप्लीकेशन की प्रकृति को आधार देती है? क्या यह भाषा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है? क्या भाषा के लिए कार्यकुशल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उपलब्ध है? एप्लीकेशन अक्सर कितनी बार प्रोसेस होगा? अक्सर चलने वाले एप्लीकेशंस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के साथ बेहतर काम करेंगे जो जल्दी कार्यान्वित होंगे और इस कारण प्रोसेसर टाइम बचेगा। क्या प्रोग्राम अक्सर बदला जाएगा? HLL प्रोग्राम बदलने और संभालने में आसान होगा। क्या एप्लीकेशंस के जीवन काल के दौरान हार्डवेयर का बदलाव अपेक्षित है? यदि हाँ, तो मशीन या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम शायद सही चुनाव न हो, क्योंकि ये मशीन और प्रोसेसर पर निर्भर होते हैं और इन्हें पुनः लिखने की आवश्यकता हो सकती है। क्या इस्तेमाल की गई भाषा में सुधार और आधुनिकरण लाए जा रहे हैं? भाषा के सुधार संवाद में पर्याप्त साधन जुटे होने चाहिए ताकि वह किसी भी सिस्टम पर चलाया जा सके। एक बार जो भाषा का चयन हो गया और कोड की लिखाई भी पूरी हो गई, तब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के विकास में अगला पड़ाव है इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वित करना। इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत प्रोग्राम को कई बार कार्यान्वित किया जाता है सैंपल और वास्तविक डेटा को लेकर, ताकि यदि कोई गलतियां हो तो उन्हें सुधारा जा सके जब तक संतुष्टिजनक नतीजे नहीं प्राप्त हो जाते। अक्सर इन कार्यों के लिए लिया गया समय और परिश्रम उन प्रणालियों पर निर्भर होता है जो सिस्टम या प्रोग्राम विकास के स्टेजेस में उपयोग हुए थे, जैसे कि टेस्टेड प्री रिटन पैकेजेस। मॉड्यूलर सिस्टम या प्रोग्राम डिजाइन जो जटिल समस्याओं को संभालने योग्य इकाइयों में विभाजित करके गलतियां ढूंढने और टेस्ट किए हुए सब रूटीन मॉड्यूल्स बिठाने के काम आसान करते हैं। आसान मेंटेनेंस के लिए सहज कोडिंग स्ट्रक्चर्स, पीयर रिव्यूज और स्ट्रक्चर वॉक थ्रूज जो कम गलतियों, तेज परीक्षण, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन और आसान मेंटेनेंस का नतीजा देते हैं। बग्स या गलतियां प्रोग्राम के अंदर की ही टाइपिंग की गलतियों के कारण होते हैं। ये गलतियां किसी तरह सर्वोच्च संजोगों में भी हो जाती हैं और डीबगिंग और टेस्टिंग पर बिताया समय अक्सर कोडिंग पर बिताए समय से ज्यादा होता है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को 4 दौरों में बांटा जा सकता है। संपूर्ण प्रोग्राम को कार्यान्वित करना, यह देखने के लिए कि सभी स्वतंत्र मॉड्यूल्स मुख्य प्रोग्राम से जुड़े हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। प्रोग्राम को डीबग करना, प्रोग्राम को सही चलने से रोकने वाली गलतियों को ढूंढना और सुधारना। नतीजों का परीक्षण करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनपुट टेस्ट डेटा पूर्वानुमानित नतीजा देता है।
संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन पैकेज बनाना, कागज पर इस बात का पूर्ण जायजा इकट्ठा, संगठित और स्टोर करना कि एप्लीकेशन क्यों और किसके लिए विकसित किया गया था, यह क्या काम करता है और एप्लीकेशन के कार्य कैसे पूरे किए जाते हैं। रिजल्ट्स का परीक्षण करने के लिए कई चीजें विकसित की जा चुकी हैं। टिपिकल डेटा, जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम पाथ को टेस्ट करता है। प्रामाणिक पर असाधारण डेटा, जो अपवादों के लिए उपयोगी प्रोग्राम पाथ का परीक्षण करता है। गलत या अपूर्ण या अनुचित डेटा, जो प्रोग्राम एरर हैंडलिंग क्षमताओं का परीक्षण करेगा। लोगों को अपने काम पूरे करने के लिए सहायता देने के लिए कई प्री रिटन पैकेजेस उपलब्ध हैं। अंत में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन पैकेज का भी आकार होता है, जिनमें निम्नलिखित वर्गों का शामिल होना जरूरी है। प्रॉब्लम की परिभाषा, प्रॉब्लम के लक्ष्य और वो किसके लिए और किसकी मंजूरी से विकसित किया गया है। सिस्टम का वर्णन, प्रॉब्लम के विस्तार, इनपुट के रूप और प्रकार, आउटपुट के रूप और प्रकार जैसे संबंधित सिस्टम स्पेसिफिकेशन। प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का वर्णन, फ्लोचार्ट्स, प्रोग्राम सूचियां, टेस्ट डेटा, टेस्ट रिजल्ट्स, इनके साथ सामने आई तकलीफों और तब्दीलियों के ऐतिहासिक क्रम को भी लिपिबद्ध किया जाए। ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का वर्णन, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने, चलाने, ऑपरेट करने, समाप्त करने और अनइंस्टॉल करने के लिए आवश्यक विवरणीय निर्देश। प्रोग्राम कंट्रोल या नियंत्रकों का वर्णन, ऐसे किसी भी खास नियंत्रकों का वर्णन जो इनपुट डेटा की यथार्थता और न्यायपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए। ऑपरेटिंग पर्यावरण में बदलाव या यूजर की जरूरतों में बदलाव के कारण वर्तमान सिस्टम्स को परिवर्तित या अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम रिजल्ट्स हमेशा वर्तमान की जरूरतों के अनुसार हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टीम का काम होता है। प्रोग्राम मेंटेनेंस सिस्टम को विकसित करने से ज्यादा जरूरी काम होता है। यह एक निरंतर कार्य है जो समय लेता है और जिसमें पैसे का खर्चा है। यह प्रोग्राम के जीवन काल से जुड़े खर्चे का सूचियाकार प्रतिनिधित्व है। कई संगठन इस खर्चे को प्री रिटन सॉफ्टवेयर के उपयोग से कम करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप प्रोग्राम से चलकर गलतियों, बदलावों और अपडेशन के क्षेत्रों को पहचानता है। यदि इन बदलावों के कारण संपूर्ण सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ता है, तो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन से लेकर सारे प्रोसेस को दोहराना पड़ता है।